गाइस देखो, हमारी पूरी आंगन के पेड़ जितने थे ना, सब काट दिया। हाय एवरीवन, आप सबको मेरे ब्लॉग और मेरे चैनल पर स्वागत है। गाइस, पहले आप लोगों को एक खुशखबरी बता देती हूँ कि आज हमारे घर में है किसी की बर्थडे। और किसकी बर्थडे है वो आप लोगों को ब्लॉग पूरा देखने से पता चलेगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं सेलिब्रेट। और दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले हमारी जो एक रिलेटिव्स है उनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण हम एक महीना तक ना तो अपना हेयर्स काट कर सकते थे, ना अपना आईब्रोज बना सकते थे, ना पापा भैया लोग अपना दाढ़ी काट सकते थे, मतलब और ना तो हम लोग नॉन वेज खा सकते थे। तो आज उसका समय सीमा हो गया समाप्त, तो आज हम अपना हेयर्स भी काट कर सकते हैं, अपना आईब्रोज भी बना सकते हैं और नॉन वेज भी खा सकते हैं। लेकिन आज मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज किसी की बर्थडे है, जिनकी बर्थडे है उनकी बर्थडे में नॉन वेज नहीं चलेगा। मैं पहले जाऊंगी शिव जी के मंदिर, उसके बाद जाऊंगी थोड़ा सा अपना हेयर्स कट करूंगी, उसके बाद हम लोग करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट। बस ब्लॉग में बने रहो, पहले मैं फटाफट से कपड़ा बदल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी। हे गाइस, देखो मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये सिल्वर बहुत दिन बाद पहना है, ये सबके पास होता ही है, खैर कोई बात नहीं। और मैं मंदिर क्यों जा रही हूँ आप लोगों को बता दूँ, लास्ट मंदिर गई थी तब मैंने बोला था महादेव जी को ब्लॉग चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो जाएगा, उस दिन मैं आपके पास आपके मंदिर में जरूर आऊंगी। तो अब जैसे कि मेरी ब्लॉग चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो गया है, तो अब मैं उनके पास उनके मंदिर जरूर जाऊंगी, क्योंकि महादेव के साथ के बिना ये पॉसिबल कभी नहीं होता। क्योंकि मेरे काम में जितनी रुकावट आई है, अगर महादेव मेरे साथ नहीं होते तो ये कभी पॉसिबल होता नहीं है। तो उनको शुक्रिया बोलना जरूरी है ना, इसलिए महादेव के मंदिर जा रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी पार्लर, उसके बाद हम करेंगे बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारी। ये रहा मेरा बैग, से ले लेते हैं और फिर चलते हैं। गाइस देखो, हमारे पूरी आंगन के पेड़ जितने थे ना, सब काट दिया। यहाँ पर एक जामुन का पेड़ था, उसे भी काट दिया। वहाँ पे था वो भी काट दिया। वहाँ पे एक नारियल का पेड़ था, वो भी काट दिया। और ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये सब उसी पेड़ का है। देखो ऐसे बना रहा है भैया लोग। यार गाइस, मेरी इतनी जल्दी जल्दी पैसा खत्म हो जाता है, तो आज फिर से आई हूँ पैसा निकालने। ये देखो वही टूटा फूटा एटीएम में, तो पैसे पहले निकाल लेते उसके बाद चलेंगे। मैं आ गई एटीएम से पैसा निकल के, बस से आई हूँ, ऑटो से नहीं आई हूँ, बस से थोड़ा जल्दी हो गया। और वही मंदिर पे आई हूँ जहाँ पे मैं हर रोज अक्सर आती थी, मतलब जब भी मुझे शिव मंदिर आना होता है तो इसी मंदिर में आती हूँ। तो वो रहा मंदिर, तो चलो चलते हैं और भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं कि मुझे इतना सपोर्ट करता है, इतना प्यार देता है और मेरे ऊपर उनकी आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। तो यही प्रे करेंगे, साथ ही आप लोगों की भी सपोर्ट बना रहे, आप लोग भी प्यार देते रहो, बस यही प्रे करना है। ठीक है चलो। गाइस देखो, आज मैं घर से कुछ नहीं लेकर आई, इस दुकान से ले लूंगी, आंटी के पास है तो दिया विया ले लेते हैं, उसके बाद जाएंगे पूजा करने। तो गाइस देखो, ये मैंने थाली ले लिया है, इसमें तेल वगैरह डाल के मुझे पूजा करना होगा, तो चलो भी चलते हैं। कोई पूजा कर रहा है तो मैं भी चलती हूँ पूजा करती हूँ। इतनी सुंदर हवा आता है ना इधर पे, क्या बताओ। जैसे कि मैंने कहा, आज घर से मैं कुछ लेकर नहीं आई, तो दूध भी लेकर नहीं आई, क्योंकि दूध जो था ना वो घर में बॉयल कर दिया है, तो इसलिए दूध नहीं लेकर आई। लोटे में पानी लूंगी, तो पानी चढ़ाएंगे आज। ठीक है, तो बस अभी देखो मैं पानी वानी सब लेकर आई हूँ, अंदर को और पूजा कर रहे हैं, इन लोगों को करने के बाद मैं करने वाली हूँ। तो गाइस मेरा पूजा हो गया है, ये है प्रसाद, ये लेकर जा रही हूँ। अभी मैं जाऊंगी पार्लर, अगर पार्लर खुला होगा तो चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है, सिर्फ पुजारी जी और मैं ही हूँ। तो चलो चलते हैं, वो है रोड, वहां से मैं बस में चढ़ूंगी, फिर जाऊंगी सीधा पार्लर जाऊंगी, उसके बाद जिनका बर्थडे है उनके लिए हम उसके डेकोरेशन की कुछ सामान लेंगे, फिर घर जाएंगे। ठीक है, अभी चलो चलते हैं, आप लोगों को सीधा मिलूंगी मैं पार्लर जाके। तो गाइस ये रहा पार्लर और मैं आ गई हूँ, तो चलो क्या क्या करते हैं आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, मैंने अभी आईब्रो सेट कर लिया है, अभी मैं अपना हेयर्स काटूंगी, सामने दो मोही बाल आ गया तो इसे काटूंगी, उसके बाद जाएंगे घर। तो गाइस देखो, मैंने हेयर्स कट कर लिया है, अभी डरो मत, मैंने इतना छोटा नहीं किया है, ये बस सामने की तरफ है, पीछे की तरफ देखो लंबा ही है। गाइस मैं घर आ गई हूँ और हेयर्स कट के अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा जल्दी बढ़ेगा, और मैंने सिर्फ आईब्रो किया है और ये हेयर्स कट किया है, लेकिन बुरा लग रहा है, हेयर्स कट करने में बुरा लगता है, देखो इतना सा हो गया। खैर कोई बात नहीं, जल्दी लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। अभी मैं फटाफट से कपड़ा बदल लेती हूँ, उसके बाद शाम को बर्थडे की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हे गाइस देखो, मैंने फ्रेश होके लंच वंच सब कर लिया है, अभी बस प्रिपरेशन की बारी है,
केक ऑर्डर कर दिया है, गुब्बारे भी ऑर्डर कर दिया है। आ जाएंगे, जब आएंगे तब डेकोरेशन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि किसका बर्थडे है। ठीक है, तो गाइज देखो, जिसकी बर्थडे है उसके लिए सारी प्रिपरेशन तैयारी कर रही हूँ मैं। देखो सारे गुब्बारे वगैरह फुला रही हूँ, उधर साइड में हैप्पी बर्थडे भी मैं चिपका रही हूँ। उसके बाद गुब्बारे भी फुलाएंगे, उसके बाद हम लोगों को बताएंगे कि बर्थडे किसकी है। ठीक है, फुलाएंगे गुब्बारे, तो गाइस मेरी डेकोरेशन हो गई है, अभी गई है केक लाने। केक लाने के बाद कुछ मेहमान आएंगे, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी किसकी बर्थडे है। तो अभी देख लो छोटा मोटा डेकोरेशन मेरी, ये बस हैप्पी बर्थडे लिखा, कुछ गुब्बारा से सजाया, बस इतना ही है डेकोरेशन। केक आने दो, उसके बाद बताऊंगी। तो गाइस देखो, मैंने कपड़ा बदल लिया है और बर्थडे की सारी तैयारी मैंने कर दिया है। अभी थोड़ी देर बाद केक कट करेंगे जब और मेहमान आ जाएंगे। चाय की तैयारी कर रहा है यहाँ पर बहुत सारी, और उधर पे बारिश बना है और यहाँ पे कुछ चीजें बना रहे हैं, बाद में दिखाऊंगी क्या क्या बनता है। ठीक है, तो हे गाइस, अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हमारे घर में किसका बर्थडे है, जो कि हमारे घर में सबसे छोटा है। तो हमारे घर में आज बर्थडे है हमारी, ये है बाबा, यानी कि हमारे पापा का बर्थडे है जो कि सबसे छोटा है हमारे घर में। ये देखो बर्थडे बॉय यहाँ पे अभी ब्लैंकेट के अंदर है। तो अभी होगा हमारे घर में मेरे पापा की बर्थडे सेलिब्रेट, क्योंकि पापा का 80 इयर्स कंप्लीट हो गया है आज, तो इसी खुशी में ये कुछ बोलेगा। अब बोल। Hey guys. Damn! Hey guys. Channel to my blog. तो गाइस धीरे धीरे सब मेहमान आ गया, सिर्फ हमारी दीदी आना बाकी है, वो अभी और 10 मिनट लगेगा, वो आने के बाद हम लोग केक कट करेंगे। इसको तो देख ही लिया, ये हमारी बड़ी माँ है, ये आई है, और एक इनकी बेटी कल्पना दीदी वो भी आई है, और ये है हमारी भांजा भी आया है लोग। तो थोड़ी देर बाद हम लोग केक कट करेंगे। देखो पापा का 80 इयर्स का बर्थडे होगा, 80 साल, और जल्दी से 100 भी हो जाएगा, है ना। आप लोग विश करना मेरे पापा के लिए, प्रे करना था कि वो 100 भी क्रॉस करे। तो आज है पापा का 80 इयर्स का बर्थडे। तो गाइस फाइनली ये आ गई, जिसके कारण इतना देर किया है, अभी केक कटेंगे। ये है एक पोता गिफ्ट लाने भागा, पापा का पोता सारा गिफ्ट दे देकर। देखो पापा का हालत बना दिए चला। तो केक कट हो गया, अभी पापा खा रहे हैं इधर, और हम लोग भी खाएंगे, उसके बाद पार्टी खत्म। देखो इधर पे दाल बनाया है, फिर इधर खीर बनाया है, और इधर पूरी तल रहा है, और पूरी तलने वाली ये है। तो गाइस अभी हमारी खाने पीने की बारी है, यहाँ पे केक दिया जा रहा है, उसके बाद पूरी खाएंगे। तो हे गाइस, सब लोग चला गया खाना वाना खा के, मैंने भी खा लिया, और पूरी और दाल बहुत ही टेस्टी बनी थी। जैसे कि पापा नॉनवेज नहीं खाते हैं,
प्योर वेजिटेरियन है, इसलिए पापा के लिए स्पेशल सब कुछ वेज बना है। और पापा का 80 बर्थडे था, और आप लोग मेरे पापा के लिए प्रे करना ताकि मेरे पापा 100 साल से भी ज्यादा जिए। दिन पहले पापा बीमार से रिकवर हुआ, इसलिए हमने धूमधाम से पापा को हैप्पी कर दिया है बर्थडे सेलिब्रेट करके। तो आप लोग मेरे पापा के लिए जल्दी जल्दी प्रे करो ताकि हमारे पापा 100 साल तक जिए और मेरी सफलता देख पाए। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे पापा के लिए बर्थडे विश करो जल्दी से, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय। क्या हुआ गाइस, फिर से शकर का प्राइस कर दो और रिएक्ट कर दो। तो इसलिए शकर का प्राइस कर दो।